रहे इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी नियुक्त हुए हैं। दिवाली की शाम को उनके नियुक्ति का ऑर्डर जारी हुआ है। अभी अनुराग रस्तोगी संभालेंगे कार्यभार विवेक जोशी की ज्वाइनिंग तक। और 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं विवेक जोशी, जिन्हें आपको बता दें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विवेक जोशी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि विवेक जोशी मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। बीते गुरुवार को ये ऑर्डर जारी किया गया है। हरियाणा को जो है दिवाली पर नए मुख्य सचिव मिल गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं विवेक जोशी, जिन्हें बीते गुरुवार को हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो जब तक विवेक जोशी अपना कार्यभार नहीं संभालते हैं, तब तक अनुराग रस्तोगी जो है कार्यभार संभालेंगे। तो राज्य सरकार के एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक जोशी के हरियाणा कैडर में शामिल होने पर उन्हें राज्य सरकार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक जोशी वर्तमान मुख्य सचिव TVSN प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को इस पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं TVSN प्रसाद, जिसके बाद अब मुख्य सचिव के रूप में विवेक जोशी की नियुक्ति की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के सचिव जोशी को हाल ही में केंद्र से उनके कैडर राज्य हरियाणा वापस भेज दिया गया था और उन्हें इस साल अगस्त में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था और सूत्रों के हवाले से जानकारी हमने अपने दर्शकों को पहले ही दी थी कि विवेक जोशी जो है मुख्य सचिव नियुक्त हो सकते हैं। हालांकि तब सूत्रों के हवाले से हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी और अब उस खबर पर मुहर लगी है, विवेक जोशी मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे साहिल, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, इस खबर को सूत्रों के हवाले से हमने जानकारी दर्शकों को दी थी कि विवेक जोशी मुख्य सचिव हो सकते हैं, अब पुख्ता हो चुका है, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लग चुकी है। फिलहाल विवेक जोशी कौन है और किस तरह से वो कार्यभार संभालने वाले हैं, कब तक कार्यभार संभालेंगे, जानकारी दें। बिल्कुल, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लग गई है। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि विवेक जोशी जो है वो हरियाणा के मुख्य सचिव हो सकते हैं, क्योंकि अपने वो मूल कैडर में वापस लौट आए थे कुछ दिन पहले ही। 89 बैच के IAS अधिकारी विवेक जोशी जो है वो PMO कार्यालय में सचिव के तौर पर तैनात थे, तो कुछ दिन पहले ही उनकी जो है वापसी अपने मूल कैडर में हो गई थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो आने वाले मुख्य सचिव हो सकते हैं। लेकिन जो है इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर जो है मुहर लग गई है। कल सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि विवेक जोशी जो है वो हरियाणा के नए मुख्य सचिव होंगे। 89 बैच के IAS अधिकारी जो विवेक जोशी है वो जो है केंद्र में प्रतिनियुक्त थे, तो उन्हें अपने मूल कैडर में कुछ दिन पहले ही भेजा गया था और कल देर शाम हरियाणा सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी को लेकर आदेश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल जल्द ही वो अपना कार्यभार संभालेंगे। इसको लेकर जो है अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी उन्हें टाइम लगेगा कि कब तक वो कार्यभार संभालेंगे, लेकिन जब तक वो कार्यभार नहीं संभालते उनकी जगह IAS अनुराग रस्तोगी जो कि चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार जो है वो देखते हुए नजर आए। बिल्कुल, और साहिल एक बार जरा दर्शकों को बताएं मुख्य सचिव की क्या जिम्मेदारी होती है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने दिन तक होता है, ये तमाम जो जानकारियां हैं एक बार जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, काफी अहम जिम्मेदारियां जो है वो मुख्य सचिव की होती हैं, क्योंकि एक सरकार के साथ जिस तरीके से चलाना, तालमेल करना और बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो है वो मुख्य सचिव की जो है वो रहती है। किस तरीके से प्रदेशवासियों को जो योजनाओं का लाभ मिल सके और क्या कुछ प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी अहम जिम्मेदारियां जो है वो मुख्य सचिव पर होती है।
लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री को भी फीडबैक जो है चीफ सेक्रेटरी की ओर से दिया जाता है कि कौन सी योजना जो है वो फिलहाल चल रही है और किन योजनाओं का लाभ जो है वो धरातल पर पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी जिम्मेदारी जो है मुख्य सचिव की रहती है और जल्द ही जो विवेक जोशी हैं वो कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो इस जब तक वो अपना कार्यभार नहीं संभालते तब तक आईएएस अनुराग रस्तोगी जो है वो मुख्य सचिव का कार्यभार जो है वो देखते हुए नजर आएंगे। कितना इसमें समय लग सकता है साहिल अभी मुख्य सचिव को अपना कार्यभार संभालने में, और साथ ही जरा एक बार दर्शकों को बताएं अनुराग रस्तोगी हैं कौन जो अभी फिलहाल जब तक वो कार्यभार नहीं संभालते तब तक अनुराग रस्तोगी ये सब कार्यभार देखेंगे। बिल्कुल, अनुराग रस्तोगी एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, फिलहाल उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट है, तो कई अहम पदों पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अनुराग रस्तोगी संभाल चुके हैं। तो फिलहाल होम सेक्रेटरी के साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी जो है वो अनुराग रस्तोगी के पास है। तो कल शाम को ही सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जब तक विवेक जोशी कार्यभार नहीं संभालते तब तक अनुराग रस्तोगी जो है वो चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार जो है वो संभालेंगे। तो ऐसे में इसको लेकर भी एक आदेश जो है वो देर शाम को प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। एक बार जरा साहिल, चूंकि देखिए सभी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विवेक जोशी कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से उन्होंने तमाम जो उपलब्धियां हासिल की हैं इसके बारे में भी एक बार दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। जरा बताएं वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ किस तरह से उनकी जो है पढ़ाई आगे चली है और तमाम जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है वो किस तरह से रही हैं। साहिल आवाज मिल पा रही है आपको? तो तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिल से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आपको बता दें कि विवेक जोशी मूल रूप